हेलो एवरीवन. हेलो. तो आज है संडे और जैसा कि हम लोग हर संडे को करते हैं, घूमने के लिए बाहर निकलते हैं. तो आज हम लोग आए हुए हैं एक ऐसी जगह में जो कि यार मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी अद्भुत जगह है. भोपाल से करीबन 60 किलोमीटर दूर है, विदिशा में स्थित है ये जगह. जगह का नाम है बीजा मंदिर. बिल्कुल. और लेकिन ये जगह इतनी अंडररेटेड थी कि हमें इतने पास रहने के बावजूद भी इस जगह के बारे में पता नहीं था. और हमें जैसे ही जगह के बारे में पता चला तो हम लोग तुरंत यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं. यार इसकी स्टोरी जो थी ना, उसकी वजह से हम लोगों को ना रहा नहीं गया और हम लोग यहाँ पे आ गए. तो आपको पहले स्टोरी हम लोग बता देते हैं. यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि एक महल है पूरा का पूरा, जो पहले राजा महाराजाओं के महल होते थे, वो पूरा का पूरा महल एक जमीन के नीचे से निकला हुआ है. और अभी बताया जाता है कि जितना महल निकला हुआ है उसका डबल हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है. लेकिन वो काफी सारे रीजंस की वजह से अभी खुदाई नहीं हुई है और जगह ये काफी अंडररेटेड है. तो चलो यार इसको एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं आगे की पूरी स्टोरी क्या है. तो ये पीछे पूरा हमारा जो मंदिर है वो दिख रहा है. अभी इसके ऊपर हम लोग चढ़ के दिखाएंगे. और ये जो हिस्सा है आप लोगों को अलग कलर में दिख रहा होगा, पीछे वाला जो हिस्सा है वो अलग कलर में दिख रहा होगा. रीज़न ये है कि ये जो है टूट चुका था तो ये नया बनाया गया है. पहले इसकी थोड़ी सी हम लोग स्टोरी बता देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चढ़ के दिखाते हैं. बिल्कुल. ये जो महल है ये पूरा 1000 साल पुराना है. 1000 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था. और जब औरंगजेब की सेना यहाँ पर इंडिया आई तो औरंगजेब को यहाँ के बारे में पता चला. औरंगजेब ने इसके ऊपर एक मस्जिद का निर्माण किया और इस महल को पूरी तरीके से ढक दिया. पूरे जितने भी अवशेष थे वो सारे जमीन के नीचे दबा दिए और यहाँ पे पीछे एक मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया. इसकी जो खुदाई हुई थी वो हुई थी करीबन 30 से 40 साल पहले कुछ. उससे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर बने हुए थे घर, लोगों के घर बने हुए थे. उसको पूरा का पूरा तोड़ा गया, उसके नीचे खुदाई की गई, फिर ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये निकला. अभी भी स्टोरी ये है कि इसके नीचे इसका लगभग डबल पार्ट दबा हुआ है. और इसके आसपास आपको जितने भी घर दिखाई दे रहे होंगे ना, ये सब के सब अभी भी पुरातत्व विभाग के अंदर में है और उनको कभी भी तोड़ के यहाँ पे खुदाई की जा सकती है. बिल्कुल यार. तो आप लोग कभी टाइम निकाल के आओ यहाँ पे और देखो ऐसी अद्भुत चीज़ों के बारे में, आप थोड़ी मजा आएगा. इंडिया का जो प्राचीन इतिहास है, इंडिया की जो कला है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. दुख की बात यही है कि इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगह है, ना तो ऐसी जगहों को प्रमोट किया जाता है और ना ही इनके बारे में किसी को अवेयरनेस होती है. सच में यार बहुत अंडररेटेड जगह है. अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का देख के कितनी बड़ी लगती है. देखो पूरा महल दिख रहा है पीछे, लेकिन इतनी अंडररेटेड है जगह कि यहाँ के बारे में लोगों को पता भी नहीं है. तो चलो इसके ऊपर चढ़ के दिखाते हैं कि पूरा व्यू कैसा है. और उसके बाद फिर हम लोग आपको एक ऐसी जगह लेके चलेंगे जो कि इतनी अद्भुत है आपको सुन के भी यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है. उसके बारे में हम लोग बताएंगे वहाँ पहुँच के. चलो यार. तो मंदिर के सामने वाले हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं. ये है पूरी सीढ़ी जिसके ऊपर हमें चढ़ना होगा और इसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि पूरा मंदिर कैसा दिखता है. तो बिना किसी देरी के चलते हैं ऊपर. तो यार ये हम लोग आ चुके हैं मंदिर के ऊपर और ये देखो यार पूरा सीन, ये देखो पूरा कितना बड़ा मंदिर है. और ये पूरा का पूरा निकला हुआ है जमीन के अंदर से. और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे अंदर कुछ रूम टाइप के बने हुए हैं. अब मुझे नहीं पता कि पुराने लोग उसे क्या कहते थे, लेकिन ये कुछ कुछ हमें रूम जैसे दिखते हैं. ये देखो मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ. ये पूरे के पूरे कमरे से बने हुए हैं और काफी सारे हैं. देखो कितना बड़ा है. अगर हम लोग साइड में चलते जाएं तो ये काफी बड़ा है. और इसके अंदर भी कुछ गेट लगे हुए हैं, कुछ मूर्तियां बनी हुई है और काफी पुराना स्ट्रक्चर है. अरे काफी सारे खुफिया रास्ते जाते हैं यहाँ से. एक गेट है जो बंद है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो काफी लंबा है, उसके अंदर कुछ गुफा बनी हुई है, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं है तो हम लोग दिखा नहीं सकते आपको. लेकिन फिलहाल आप यहाँ से देख लो, काफी अच्छा और पुराना स्ट्रक्चर है. ये देखो जिस गेट के बारे में मैं आपको बता रहा था वो है यहाँ पे अंदर. ये भी लॉक है और इसके अंदर जाना तो अलाउ नहीं है तो हम लोग दिखा नहीं सकते.
लेकिन पूरा आर्किटेक्ट देखो यार, 1000 साल पुराना मंदिर है जो कि कई सालों तक जमीन के अंदर दबा भी रहा, उसके बाद भी काफ़ी चीज आज भी सेफ है और पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आप आज भी देख सकते हो, सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश में कितने टैलेंटेड लोग हुआ करते थे पहले, क्या आर्किटेक्ट था जिसका तोड़ आज के टाइम पे तो मेरे हिसाब से नहीं है। ये देखो ये पूरा लॉक लगा हुआ है, तो अंदर हम लोग जा नहीं पाएंगे, ये है इसका लॉक। अगर अंदर जाना पॉसिबल होता तो हम लोग आपको अंदर से दिखाते, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। ये देखो ये कुछ मूर्तियां हैं जो कि पूरी ज़मीन के अंदर से निकली हुई हैं और पूरी की पूरी मूर्तियां टूटी फूटी हैं। ऐसी बहुत सारी मूर्तियां निकली हुई है जो हम लोग दिखाएंगे अभी। इसके पीछे स्टोरी ये है कि औरंगजेब जब यहाँ पे आया था इंडिया में, तो उसने सारी की सारी जो मूर्तियां थी वो तोड़ दी थी। जो सोने चांदी के सामान हुआ करते थे उसे तो वो ले गया था उठा के, लेकिन जो नहीं ले जा सकता था उसे उसने तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया। और ये पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे मस्जिद आपको दिखाई दे रही होगी, ये मस्जिद जो थी वो उसने बनवाई थी औरंगजेब ने इसको तोड़ के। अभी भी उसके नीचे काफ़ी कुछ दबा हुआ है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से, हिंदू मुस्लिम का एक इशू है जिसकी वजह से आज भी यहाँ पे खुदाई नहीं हो पाई है। और ये पूरी जो जगह है इसका राज आज भी दफन है। ये देखो महल के कुछ हिस्से जो कि टूट फूट चुके हैं। ये एक्चुअली पता है क्या है, ये एक बड़ा खंबा होगा, उसके ऊपर का ये स्ट्रक्चर है। ये देखो देखो यार, ये पत्थर से पूरा कैसे बनाते थे ये लोग, मतलब आज के टाइम पे इतनी सारी मशीनरी होने के बाद भी पॉसिबल नहीं है। ये देखो ये शायद पहले जंगला होगा उस टाइम का, है ना, रोशनदान। देखो यार पत्थर की मोटाई दिखाओ, एक आदमी उठा नहीं पाएगा भी इसको। ये देखो यार काफी मोटा है और ये काफी पुराना भी है, और ये लगभग देखो सेम वैसे ही है जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था। दोनों अलग अलग हैं, पीछे ये था और ये, दोनों एक जैसे हैं। अरे एक और है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये देखो ये भी सेम है, तो ये मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ऊपर शायद खंभों के ऊपर कुछ लगाया होगा। ये पहले खड़े होंगे और उसके ऊपर जो बने हैं ना वो गोल गोल, वो डिजाइन रखी होगी उसके ऊपर। ये छोटे वाले खंभे देखो ना, कुछ कुछ वैसे स्ट्रक्चर। ओके ओके अब समझ में आया। देखो ये जो है ना, और ये खंभे देखो, इस खंभे को इन्होंने कुछ इस तरह से लगाया होगा, और इसके ऊपर आप देखो यहाँ पे ये होंगे वो बड़े पत्थर जिसपे ये मूर्तियां बनी हुई है। और ये है इस मंदिर के पूरा नीचे का सीन, आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, इसी तरह के कुछ घर इसके ऊपर भी बने हुए थे जिसे तोड़ के ये निकला हुआ है। और अभी भी कहा जाता है कि ये जो घर हैं अगर इसे तोड़ा जाए तो इसके नीचे काफ़ी सारे और भी अवशेष मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो हम लोग जाके आपको दिखाएंगे। और सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं वो टूटी फूटी हैं, औरंगजेब ने यहाँ पे कोई भी मूर्ति को नहीं छोड़ा, सब कुछ तोड़ फोड़ के तबाह कर दिया। बिल्कुल, लेकिन पता है 1000 साल के बाद भी इतने अवशेष मिल रहे हैं, ये कमी नहीं है यार, मतलब बहुत होता है। देखो पूरा पूरा महल दिख रहा है अभी भी, और ये चारों तरफ इसके जो घर बने हुए हैं ये सब के सब अभी भी पुरातत्व विभाग के अंदर में है। तो यार ये देखो इतनी सारी छोटी छोटी मूर्तियां और भी इसके नीचे से निकली हुई है, ये देखो कितनी इनकी बारीक कलाकारी है अगर आप गौर से इनको देखेंगे। और औरंगजेब ने एक एक मूर्ति का खंडित किया हुआ है, किसी का हाथ गायब है, किसी का सिर गायब है, किसी का पैर गायब है, ऐसी ऐसी देखिए बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पे लाइन से लगी हुई है, बहुत सारी छोटी 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 मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई है, देखिए दोनों साइड लगी हुई है ये मूर्तियां लगी हैं। और मेरे पीछे ये पूरा महल है जो अभी हम लोग देख के आए हैं। सांची को प्रमोट किया गया वैसे ही जगह को भी प्रमोट करना चाहिए।
यार ये देखो, एक कोलू बैल आपने देखा होगा, ये गोल गोल पूरा चलता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी ऐसा है, इसके नीचे से निकला हुआ था। इसको शायद यहाँ पे माते होंगे और कुछ चीज को यहाँ पे पीसते होंगे। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे मिस्टीरियस प्लेस में, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। ये है वो जगह, हम नीचे चल के दिखाते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की मिस्ट्री क्या है, जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। लेकिन इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा क्लियर कि पूरी स्टोरी क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, और ये जो पानी है आगे वो कनेक्ट होता है एक कुएं से। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दोनों गेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो फर्स्ट गेट है इसके बारे में स्टोरी ये है कि ये जाके खुलता है उदयगिरी की गुफाओं में। उदयगिरी की गुफाएं क्या है हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जाके दिखाएंगे। यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर दूर है उदयगिरी की गुफाएं, वहाँ जाके ये वाला जो गेट है वो खुलता है। एंड इसके बगल वाले गेट की अगर हम बात करें तो ये वाला जो गेट है ये खुलता है सांची में जाके। सांची क्या है उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे एंड वहाँ पे दिखाएंगे कि ये वाला जो गुफा है वो कहाँ खुलता है। सांची वाली जो गुफा है वो खुलती है गेट नंबर एक पे। मैं जब सांची जाऊँगा तो आपको दिखाऊंगा कि गेट नंबर एक कहाँ है और कहाँ से ये गुफा कनेक्ट हो रही है। और ये वाली गुफा खुलती है उदयगिरी में, जब हम उदयगिरी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि ये गुफा कहाँ पे खुलती है। एक्चुअली ये गुफाएं देखिए अभी आप बंद पड़ी हुई है, इनको एक्चुअली बंद कर दिया गया है, नहीं तो पहले के टाइम पे ये गुफाएं खुली हुई थी और यहाँ से लोग आते जाते थे। और एक और मिस्ट्री है इस पानी के लिए, ये जो आगे कुआं कनेक्ट है, इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि ये इतना गहरा है कि इसकी गहराई आज तक नापी नहीं जा सकी है और ना ही इसका पानी कभी सूखता है। तो पूरी स्टोरी क्या है उसके बारे में तो हमें अच्छे से नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो क्या अद्भुत जगह है ये, कितना प्यारा लग रहा है। देखो कितनी प्यारी बावड़ी है, कितना प्यारा स्ट्रक्चर है यार देखो। और अगर आप MP से हो या भोपाल के आसपास हो तो आपको एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। काफ़ी अंडररेटेड जगह है, लोग पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं, लेकिन हमारा जो अनुभव था वो काफ़ी अच्छा था, यहाँ आके काफ़ी मज़ा आया और मस्ट वॉच है, एक बार कम से कम आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो ये तो था पूरा ब्लॉग बीजा मंडल का, जिसे बीजा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, विदिशा के पास में है और अनोखी जगह है, अद्भुत जगह है। पूरी की पूरी जगह निकली है ज़मीन के अंदर से। और इस बावड़ी के बारे में भी मैंने आपको पूरा इतिहास बताया। और सबसे जो मिस्टीरियस जगह थी वो थी यहाँ की गुफाएं, जो कि खुलती है एक उदयगिरी में और एक खुलती है सांची में। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे उदयगिरी में। ये जो पीछे मैंने आपको गुफा दिखाई थी, ये वाली जो गुफा खुलती है, हम उस प्लेस में जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गुफा कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा हमारा उदयगिरी का ब्लॉग, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे सांची में। सांची में ये वाली जो गुफा है वो खुलती है, वहाँ पे पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाली गुफा कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है। तो यार एक बहुत बढ़िया मस्ट वॉच जगह है, तो आप लोग भी अगर टाइम मिले तो आके यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए। तो इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर वीक इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे।